हम तेरे बर्थडे में पी सकते हैं। नहीं मत पियो यार, वैसे भी पी लो, मेरे को की तो लग रही है। बैठ ना। अच्छा बिस्की का ग्लास में कोक मतलब तू अब बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रही है, थोड़ा सा सीरियस मूड में आ चुके हैं, येट फन मूड। हाँ ये थोड़ा इम्प्रॉम्प्ट है, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ही असली रिएक्शंस आने वाले हैं लोगों के। नो आईडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। फोन से फोन बंद कर अपना। कुछ टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क, तुम इतने फेमस लोग हो, तुम्हें कौन नहीं जानता यार? साइना सेकरी, निक्की, मानसी, यार इट्स ओके, ठीक है। इसको तो जानते ही हैं यार सब। गिरेगी क्या नीचे? नीचे गिरती है अभी तू। वुड यू एवर आस्क योर गाय फ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड टू बाय यू पैड्स? आई वुड। मेरा मैं अपने भाई को इजीली बोल देती हूं। यस। और अपने फ्रेंड्स को बोल देती है? हां तेरे को बोलती है ना। अच्छा वुड यू बाय पैड्स? हां हां उसमें क्या? अच्छा हां चल, ये भी ठीक है। तुम्हारे हिसाब से पैड्स खरीदना इम्पोर्टेंस देना, why is it considered as a taboo? I don't think it's considered a taboo. It is क्योंकि आपको अभी भी पैड्स को ब्लैक कलर की पॉलिथिन्स में डाल के दिया जाता है। And this is wrong. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि it's very natural thing and सब लोगों को इसके साथ comfortable होना चाहिए। I think जो लड़के थोड़ा gross out हो जाते हैं उनके लिए। Have you ever faced anything के कोई लड़का gross out हो रहा in front of you? I think मेरे स्कूल का ये किस्सा है that there was this girl जिसके बैग में से एक बारी पैड्स निकले थे और पूरी क्लास ने उसका मजाक बना दिया था, तो विच वॉज वेरी बैड। और उस टाइम पे तो मतलब लाइक लड़कियां भी बहुत शाय होती थी एंड लड़के भी, और लड़कों ने उस लड़की को पूरी क्लास में रोस्ट कर दिया था, विच इज Sad. मैं बताती हूँ एक बार मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ था। हमारी क्लास में से एक लड़की थी जो जिसको जो डाउन हो गई थी सडनली बिटवीन अ क्लास, की फ्रेंड को बोला कि जाके मैम को बताओ, और मैम ने आउट ऑफ नोवे सारे लड़कों को क्लास से बाहर निकाला प्रिटेंडिंग कि उन सारे लड़कों को पनिशमेंट मिलने वाली है, और सारी लड़कियां अकेली क्लास में बैठी हुई थी। और फिर जो लड़की एक्चुअली डाउन हुई थी उसे मेडिकल रूम लेकर जाया गया था, मतलब जस्ट टू बहुत बड़ा इशू बना दिया, बहुत बड़ा इशू बना दिया था, और मतलब एक सीक्रेट बना दिया था कि वो डाउन हो गई है और उसको किसी सीक्रेट पैसेज से मेडिकल रूम लेकर जाना है, और सारे लड़कों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। एंड आई थिंक आई हैव सीन दिस कि मेरे स्कूल में वर्कशॉप्स होती थी जिसमें हम लोगों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ वगैरह के बारे में पढ़ाते थे, एंड जब भी सिर्फ ऑल गर्ल्स वर्कशॉप होती थी तब लड़के एकदम मजाक बना के वहां पे बाहर आके झक झक के देख रहे होते थे कि भाई क्या बात है। BBPS रोहिणी गाइस मैं ये बोल रहा हूं, तू भी BBPS का है? BBPS रोहिणी में अगर आप कंसीडर कर रहे हो एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है BBPS, सब वेरी नाइस लोग। तो तेजस यादव शट अप, नहीं बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। अच्छा मेरे पास इस चीज का आंसर है, एक्चुअली ओपिनियन नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जो लड़के इस चीज पे अगर रोस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में वो इस टॉपिक पे रोस्ट नहीं कर रहे, उनकी बेसिक नेचर यही है कि हर चीज पे खी करना, रोस्ट करना लड़की को छोटी छोटी बातों, और इशू बनाना हर चीज का। वो अपने घर पे अपनी माँ बहन बीवी हर चीज का इशू बनाएंगे, तो पैड उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। तो इसलिए पैड इज नॉट अ टैबू, उनकी नेचर जो है वही एक टैबू। सोसाइटी ने लड़कियों को ऑलरेडी अनकंफर्टेबल किया हुआ है, उसके लिए आप उनको और परेशान करो। यू कैन बेसिकली डू समथिंग टू लाइक ईज डाउन। बट यार मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे लड़के इतने बुरे नहीं होते, आई नेवर फेस्ड एनी सच इशू। मतलब मेरे आसपास जितने भी लड़के थे वो हमेशा से बहुत अच्छे और अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज हम ना एक बहुत ही अच्छे वर्ल्ड में रहते हैं और हमारे अराउंड एक बबल है। आई विल शेयर यू द रियलिटी, अभी मैं यहाँ पे क्लिप डालने वाला हूँ जो आपको एक्चुअली में शो करेगा, दिखाएगा कि लोगों की एक्चुअल थिंकिंग क्या है। गंद जमा हो जाता है, कुछ शर्म करना चाहिए, सब चीज ओपन तरीका से नहीं होता। सिक्योर में से जो गलत चीज होती है, गलत चीज होती है। एग्जैक्टली। चलो एक फन क्वेश्चन, अगर आप पीरियड पेन को किसी एक ऐसे पेन से कंपेयर करो जो लड़के बेयर कर सकते हैं तो वो क्या होगा? हड्डी टूट जाना मे बी। हाँ बिकॉज लड़कों ने कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब मैं मेरे को लगता है कि लड़के बेयर ही नहीं कर सकते। हाँ भाई हड्डी टूटना इज वेरी सीरियस। हाँ मतलब एक्चुअली क्रैम्प्स आर नॉट लाइक यू हैव द सेम काइंड ऑफ पेन थ्रू आउट। हाँ क्रैम्प्स आर मेनी लाइक पेन फॉर लाइक 10 सेकंड्स एंड देन इट लाइक कम्स डाउन। मेरा ओपिनियन काफी डिफरेंट है इसमें, बट
इट वुड बी बेटर अगर कोई हमारे अगर हमारा क्रैंकी मूड है कोई उसको लेके अंडरस्टैंडिंग है तो इट वुड बी बेटर. मेरा ओपिनियन तो यही है, मैं स्टार्टिंग से यही बोलती हूँ कि मुझे ऐसे ट्रीट ही मत करो कि मैं डाउन हूँ, मुझे बहुत नॉर्मली ट्रीट करो, जस्ट डोंट मेक मी फील लाइक कि मेरे साथ कुछ हो रहा है एंड इट्स अ बिग थिंग. मेरा मतलब पर्सनली यही है. एंड आई वुड वॉन्ट लाइक वॉन्ट नहीं बट हाँ मतलब ऑब्वियसली आई वुड फील वेरी स्पेशल इफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा मतलब पैम्परिंग होगा तो बता भाई तू चाहता है तेरे साथ अच्छी ट्रीटमेंट हो जब तू डाउन हो. डाउन मतलब ऐसे डाउन नहीं वैसे हेल्थ मतलब नहीं मतलब मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ ना तो निक्की तो शायद एक ही बार होती है महीने में शायद के मतलब हर लड़की एक बार होती है. मैं 30 के 30 दिन रहता हूँ तो वो मुझे शायद तो वो मुझे मुझे मेरे से ज्यादा हैंडल करती है तो मैं उसको जितना करता हूँ उससे ज्यादा. तो तू कैसा क्या करता है क्या एफर्ट्स लेता है स्पेशल स्पेशल एफर्ट्स वो तो तू करता है अच्छी चीज़. They do not have to be very big efforts. सिर्फ एक कुकी ले जाना भी बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है. यही नीडेड है. लड़कियों के लिए क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में जब आप डाउन होते हैं कुछ भी होता है तो आपके दिमाग में ऐसी क्या क्रेविंग्स होती है या फिर कैसे नॉटी थॉट्स आते हैं या कुछ डिफरेंट जो आप नॉर्मल नहीं होते हो वो क्या होता है. डिफरेंट होता मेरे साथ. क्या आप ज्यादा ठरकी हो जाते हो. नहीं चल पहले इसका आंसर कुछ ऐसे ठरकी वर्की टाइप तो कुछ मुझे नहीं पता फील होता भी हो अगर किसी को आई एम नॉट श्योर बट मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब सिंस मैं थोड़ा डाइट वाइट करती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ केक्स पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स खाना. लाइक व्हेन पीरियड्स आर अराउंड द कॉर्नर तो मेरे को ऐसे होता है कि बस आई कैन नॉट टेक माय क्रेविंग्स. बहुत अलग लेवल पे मेरे को क्रेविंग्स हो रही होती है सो वो बहुत डिफरेंट होता है मेरे लिए. मैस्टरबेशन की बात कर रहा है. नहीं उसकी बात भी कर रहा हूँ और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी यार मतलब कुछ गलत दिमाग में आ रहा हो कुछ खुराफाती आ रहा हो दिमाग में यार ये कर दूं होता है, वो कर दूं ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं कुछ भी मतलब नॉर्मली बोले तो उसके मतलब बिल्कुल ही सुना दूं उसको मुंह तोड़ने वाली मतलब सबसे ज्यादा तेरा पहले होता था अब नहीं होता. पहले होता आई थिंक ओवर द टाइम जब तू डाउन होता है तब तेरा क्या. हां हां मैं बता रहा हूं. अरे नहीं वैसे डाउन फीलिंग उसको बोलने से पहले मेरे को लगता है कि ये साइकोलॉजिकल है कि अगर आप क्रैंकी हो तो आप ज्यादा एग्जैजरेट करोगे चीजों को. ऐसा कुछ नहीं होता आप बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन देते हो अपना बट इसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकली हाइप कर दिया है कि अगर आप क्रैंकी हो तो आप और ज्यादा एग्जैजरेट करके फाइट बैक करोगे विच इज रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं होता है और आपने साइकोलॉजिकली बना दिया ऐसा जैसे लोग करते भी हैं. मैं एक आंसर देता हूँ इसका सुन बोल. जब कोई भी लाइक कोई भी लड़की डाउन होती है एंड जैसे थे जिसने कहा मैं भी 30 के 30 दिन डाउन होता हूँ तो यहाँ पे डाउन हाँ मतलब मैंने बताया था तो डाउन होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो पीरियड पे हो. डाउन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ लाइक वो कोई स्ट्रेस से जूझ रही हो तो जब किसी भी इंसान को चाहे वो मेल हो या फीमेल हो किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा तो अंदर जो भी करंट स्ट्रेसर है वो एग्रीवेट हो जाएगा. तो जैसे निकी ने बताया कि वो डाइट करती है तो उसको क्रेविंग्स जनरली होती हैं थोड़ी थोड़ी जो डाउन होने के बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है तो हर इंसान में ये अलग रिस्पॉन्स होगा. सारे के सारे इंक्लूडिंग एकांश अपना फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस बताएगा बताएंगे ठीक है. तो मेरे साथ बेसिकली यह था कि मैंने ऑब्वियसली बताया कि मम्मा ने मेरे को 3rd या 4th क्लास में पहले एक हेड्स अप दे दिया था कि यू नो आपके साथ ऐसे होता है और एक पॉइंट आएगा जब आपके आप ब्लीड करना स्टार्ट करोगे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मम्मा ने मुझे ये भी समझाया था कि पैड्स कैसे यूज करते हैं. बट ऑन द डे इट हैपेंड मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ. मुझे लगा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैंने एटलीस्ट 6-7 आवर्स तक मम्मा को शेयर नहीं किया था एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था कि एग्जैक्टली पीरियड्स हैं या मुझे जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम हो गई है विच वॉज अ वेरी स्टूपिड मूव क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे पहले ही हेड्स अप दिया था. और जब मैं उनके पास चली गई थी उनको मैंने बताया था तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आई already gave you, you know, I already told you about this, तो तू पहले ही आ जाती मेरे पास. नहीं मतलब first time थोड़ा सा मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मैं मम्मा के साथ कैसे शेयर करूं. मुझे डर लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे बट इट वॉज वेरी नॉर्मल. सो मेरा ही आई थिंक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी नॉर्मल क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे मेरी बहन वगैरह जो भी थे सब लोग पहले से हो चुके थे तो आई वॉज लाइक क्वाइट अवेयर कि ये सब चीजें होती हैं. तो जब मैं हुई थी तब मैं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी कि ओके फाइन मतलब कुछ डिफरेंट तो लगा ही होगा. द डे हैज कम. अच्छा पार्टी करी उस दिन फिर. बिकॉज इट्स अ प्रूफ ना कि हाँ तुम लड़की हो प्रॉपर. नहीं बिकॉज मोस्टली लोगों को पता नहीं इट्स अ प्रूफ मतलब इट्स अ रीजन दैट गर्ल्स गेट प्रेगनेंट. पीरियड्स ही रीजन होता है मतलब सबको पता है. तो मेरे को जब मेरे को पीरियड्स होते तब मेरे को
इतना ज्यादा आइडिया नहीं था ऑनेस्टली. मतलब आई हैड लाइक आई न्यू समथिंग कि भाई टीवी में एड देखी है मैंने पैड्स एंड ऑयल की, बट आई नेवर न्यू एग्जैक्टली कि क्या है क्या नहीं है. तो मेरा भी ऐसा ही टेक था कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं कुछ बीमार हमार कुछ प्रॉब्लम. मतलब वर यू स्केयर्ड अबाउट इट? लाइक आई वाज स्केयर्ड कि ये क्या हो गया. चले कांश, अब तू बता. हाँ भाई मैं बताता हूँ. मैंने जब सबसे पहले 3 साल पहले अपने फोटो शूट की तैयारी की थी, तब मेरा पीक वीक था. और उस टाइम अरे भाई हंसने की बात नहीं है, ऑब्वियसली यार देखो नमक और कार्बोहाइड्रेट exactly. और एंड के 2 दिन में पानी, वो सब बंद था. सो आई कैन श्योरली से कि मैंने 70% तुम्हारे जितना पेन झेला हुआ है. क्योंकि उस टाइम पर वर्कआउट भी 3 टाइम करना होता है, एंड द फीलिंग दैट योर ब्रेन हैज दैट कैन बी 70% क्लोज टू योर फीलिंग दैट दैट इज एक्चुअली ट्रू. मतलब मैंने क्योंकि देखा है इसको इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हुए, लाइक आई नो पीरियड पेन कैन नॉट, तो थोड़ा साइड हो मैं कैमरा में नहीं दिख रही. पीरियड पेन को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट पीरियड पेन इज नॉट एज मच एज व्हेन लाइक व्हेन यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड स्टफ. तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बिकॉज योर हेल्थ. ये बंदी बॉडी बिल्डिंग भी करती है, ये बंदी ऑब्वियसली लड़की भी है, तो इसको पता है कि दोनों चीजों में क्या पेन होता है. तूने वो एब्स में क्रैम्प वाली वीडियो तो देखी होगी ना कभी सोशल मीडिया पे. हाँ. मेरे साथ वो हुआ था क्योंकि बॉडी में पानी नमक खानी, तीसरी बारी में डेडलिफ्ट कर रहा था दिन में, और उसके बाद मेरे एब्स में क्रैम्प पड़ा था और एक एब ऐसे पॉप आउट हो गया था. अच्छा, तो वाला पेन जो था उस टाइम ऐसे लग रहा था मैं मर जाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कभी आपके पीरियड्स मिस हुए हैं? नहीं, मेरे पास इसका एक नहीं है. कभी तो होंगे. नहीं हुए. कब होते हैं मिस? नहीं हुए. होते कब? जब आप प्रेग्नेंट होते. नहीं हुए कभी मिस? नहीं. हार्मोनल इंबैलेंस भी नहीं हुआ? नहीं हुआ. तेरे हुए हैं? मैं 10th या 11th क्लास में थी. झूठ मत बोल. तो आई हैव बीन माय 10th या 11th. सुन, तो ये नो नहीं है, मैं कह रही हूं मेरे साथ ऐसे हुआ था. 10th या 11th क्लास में थी मैं, तब मेरा पीरियड मिस हुआ था. ठीक है, तो इंटरनेट पे ना बहुत अजीब अजीब चीजें आती है कि अगर आप इतना ज्यादा सोचते हो कि आपका पीरियड मिस हो गया और आप प्रेग्नेंट हो तो आप सोच के भी प्रेग्नेंट हो सकते हो. तो मतलब इंटरनेट ना कुछ भी आपको बोल सकता है, कुछ भी बिलीव करने को आपको परेशान कर सकता है. और उस टाइम पे मेरे को ना 1 महीने तक नहीं हुआ था. तो ऐसे होता है कभी कभी लड़कियों के मिस हो जाते हैं. वो आपका मतलब लड़के से बात करते ही प्रेग्नेंट हो गया ऐसा. मतलब आई हैव बीन अ वेरी लकी ह्यूमन. मेरा मेरे को डिले तो क्या, मेरे को बहुत जल्दी आ जाते हैं. मेरे को टेंशन ये होती है कि यार ये जो 30 डेज में आना था ये 20 दिन में कैसे आ गया. आंसर बताता हूँ. बहुत 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 ज्यादा ओवररेट कर रखा है इसको कि पीरियड में इसीलिए होता है कि सिर्फ प्रेग्नेंट होते हैं. बहुत नॉर्मल सी चीज है, पीरियड किसी के भी मिस हो सकते हैं. इवन इफ यू आर ऑन अ हार्ड डाइटिंग फेज या फिर तुम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, तब भी मिस हो सकते हैं पीरियड. तो इसलिए कोई. और हाँ, जो साइना कह रही है इट इज एक्चुअली ट्रू जो इसने पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने इंटरकोर्स किया भी किसी के साथ और प्री इजैक्युलेट या फिर कोई कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म अंदर चला जाता है. नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, स्पर्म अंदर चला भी जाता है, पर कोई अगर उसका 80% चांस है तुम्हें प्रेग्नेंट करने का और तुम्हें सोच के अंदर तुम्हारे माइंड एंड मसल कनेक्शन ऐसा हो जाए तो तुम उसे 100% भी कर सकते हो. इसीलिए पास्ट में दवाइयां भी दी जाती थी, वो प्लेसिबो कंट्रोल मतलब साइकोलॉजिकल होती थी कि बंदी सोचती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो लड़कियां देख रही हैं उनको कुछ हैक्स बताना चाहते हो कि आप किस तरीके से अपनी, इसको मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, सिचुएशन को मैनेज कर सको. जो आपके इलेक्ट्रिक वार्मर्स होते हैं ना, अगर आप उसको यूज करो ड्यूरिंग क्रैम्प्स तो काफी इजी है. वीडियो में देखा था मैंने. अच्छा, पहले भी बोला वाटर बॉटल्स या इलेक्ट्रिक वाला जो आपका वार्मर आता है, अगर आप उसको अपने क्रैम्प्स के लिए यूज करो तो यू विल फील मच बेटर. काफी लड़कियां ऐसी हैं जिनको क्रैम्प्स बहुत पेनफुल होते हैं. थैंकफुली मैं ऐसी नहीं हूँ, बट काफी लड़कियों को बहुत पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, तो वो वार्मर्स काफी हेल्प करते हैं. मेरे को लगता है कि अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो तो आप मतलब काफी इजीली हैंडल कर पाते हो ये सारी चीजों. देखो मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? मतलब ये हाइड्रेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है. क्योंकि जब हम नहीं मतलब तुम लोग डाउन होते हो. मैंने 3-4 बोला, जब तू डाउन होते समझ गया डाउन. हाँ. कोई नहीं भाई, अच्छी बात है, तू प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करके बात कर रहा है. बिल्कुल अपने ऊपर लेके बात कर रहा है तो अच्छी बात है. डाउन होने में बहुत ज्यादा डिप्लीट होती है बॉडी, तो हाइड्रेशन बहुत काम आती है उसके. एनी टिप? एंड यस, वन टिप इज मेरे साथ जो काम करता है, मैं कोई इलेक्ट्रिकल बॉटल वगैरह कुछ नहीं लगाती, बट वन थिंग दैट रियली हेल्प मी इज ये सारा गेम जो है ना ये हॉर्मोन्स का है. अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को खुश रख सकते हो इस टाइम में, तो आपका पेन बहुत कम हो जाता है. आई हैव एक्चुअली फेल्ट इट जब मैं बहुत सैड वैड हो जाती हूँ ना, जैसे ओवर थिंक करते हैं तो सैड हो जाते हैं हम पीरियड्स के टाइम पे. यही अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो और खुश रहो तो आपका पेन भी कम हो जाता है. निकी एकदम सही बात बोल रही है, क्योंकि अगर आप मतलब जब आप डाउन हो और उस टाइम पे आप बहुत बिजी हो
तो आपको पीरियड पेन इतना फील नहीं होता जितना नॉर्मली अगर आप वेले बैठे हो तो माइंड गेम होता है, माइंड गेम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने जनरली लोगों को, लड़कियों को बोलते सुने हैं कि मैं डाउन हूं तो मैं आज वर्कआउट नहीं करने आ रही हूं, या फिर मैं यहां नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, मतलब तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर वर्कआउट कर सकते हो, फीलिंग फिजिकली फिट, तो आप वर्कआउट करने जा सकते हो। इनफैक्ट इट विल हेल्प यू, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर होगा एंड आपके पीरियड्स जो है वो ईज अप हो जाएंगे। जो कि हमारे को जो पेन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो ईज अप नहीं हो पा रही होती, हमारी बॉडी उसको रिलीज नहीं कर पा रही होती। अगर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आप इजिली पीरियड्स लाइक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने मतलब सुना है, मैंने कभी देखी नहीं है चीज होते हुए, बट आई हैव सीन के लड़कियों को अलाउड नहीं होता मंदिर जाना या फिर कुछ ऐसी जगहों पे जाना व्हेन दे आर डाउन, या फिर कुछ मतलब पुराने उसमें तो किचन में जाना भी अलाउड नहीं होता बिकॉज क्योंकि इसको मतलब जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ये चीजें सड़ जाएंगी। एग्जैक्टली, कि आपकी बॉडी से गंदगी रिलीज हो रही है। मेरा इस पे डिफरेंट टेक है थोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है आज तक जितने भी अंधविश्वासी स्टेटमेंट्स बनी है इंडिया में वो इसलिए बनी है क्योंकि, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, पर 90% इंडियंस डर के मानते हैं। तो इसलिए जैसे वो होता है कि पीपल के पेड़ के मत नीचे बैठो, हाँ। तुम्हें चुड़ैल पकड़ के ले जाएगी। साइंटिफिकली इट इज जस्ट बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो द थिंग इज कि ये मंदिर में ना जाने वाली बात है कि तुम जनरली मत जाओ, क्योंकि इफ पीपल वुड लुक एट यू दैट वे, अगर वहां पे तुम्हारे साथ कुछ गंदगी हो जाती है तो तुम्हें जज किया जाएगा। तो तुम्हें डराया जा रहा है कि ये गंदगी है, ये सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा, ताकि इवेंचुअली लड़कियां घर पे बैठी रहें। वरना ऐसा लगता है उन लोगों को जो ये स्टेटमेंट मार रहे हैं कि अगर इनको डराया नहीं तो डर के बिना ये कुछ करेंगे नहीं। इंडियन माइथोलॉजी ने ऐसे मिथ्स बनाए हुए हैं जो कि एक्चुअली साइंटिफिक रीजन पे बेस्ड होते हैं, बट मेरे को ये मंदिर वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे वियर्ड है, बहुत वियर्ड है। एग्जांपल, मैं वो बंदा हूँ जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स मार रहा है कि तुम मंदिर मत जाओ, ये बुरी बात है, ये वो। मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अनएजुकेटेड गवार बंदा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब मैं लड़कियों को कैसे रोकूं मंदिर जाने से, तो अब इनको मैं डराता हूँ क्योंकि ना मुझे रीजन पता है एक्चुअली में, और ना मैं इनको समझा पाऊंगा, तो मंदिर जाने से तुम्हारी चीजें सड़ जाएंगी, तो इसलिए अब तुम्हारी माँ तुम्हें जानी नहीं देगी। बट वैसे ये तो बिकॉज हमेशा इंडियन सोसाइटी एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी रही है, तो यूजली लड़कियों को मंदिर और पूजा के घर में रखा जाता है। और ये उस बोला जाता है कि जब आप डाउन, उस टाइम पे क्या होता था कि जब आप डाउन हो जाते थे तो कुछ पैड्स नहीं होते थे, आप कपड़ा यूज करते थे, और ब्लड फ्लो ऐसा होता था कि कहीं पे भी गिर जाए तो आप प्योर और पाइस जगह को अपने ब्लड से खराब मत करो, और ये वो। तो ये चीज उनको रियलाइज नहीं होती थी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब दे डोंट रियलाइज के उनकी फैमिली में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो एक मतलब इट्स ऑल अ प्रोसेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ लड़कियों को क्यों होता है, जैसे ना देखे बर्थ टू अ चाइल्ड, उस वजह से पीरियड्स होते हैं, उस वजह से उनकी साइकिल्स होती है, मेंस्ट्रुअल, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इट इज 110% नेचुरल। उसको गांव में तो ऐसा भी होता है कि आपको घर के बाहर बिठा देते हैं 5 के 5 दिन, आपको घर के अंदर एंटर भी नहीं करने देते हैं। पुरानी मूवीज में मैंने देखा कि अगर कोई लड़की डाउन होती थी तो उसको उसके रूम में बंद कर दिया जाता था। एंड आई थिंक अभी के हिसाब से लाइक प्रेजेंटली स्पीकिंग कि अब ये थोड़ा नॉर्मलाइज हो चुका है। हम जिस प्लेस में हैं, हम जिस फैमिली में रह रहे हैं, हमारे लिए इट्स प्रीटी नॉर्मल और हमें चीजें बहुत वियर्ड लग रही हैं, बट हम ऐसी ऐसी जगहों पे जो हमने एक्सप्लोर करा ही नहीं है, जहाँ पे इस बारे में बात भी नहीं कर यार, दिस इज स्टिल अ वेरी बिग इशू। दिस कंसी बता देते कि बॉडी क्लेंज हो रही होती है उस टाइम पे, एंड इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ कि यहां पे तेजस और एकांश खुद बैठ के इसके बारे में इतनी नॉर्मली बात कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ बिग चेंज। इट्स लाइक मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मतलब व्हाट आई कैन फील, कोई मुझसे ऐसे पूछे कि व्हाई डू यू पी, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, मतलब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। क्वेश्चन इज कि क्या तुम लड़कियां इसको एक मिसफॉर्च्यून कंसीडर करते हो कि यार लड़की होगी इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, लड़कों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लड़के तो डाउन ही नहीं होते, हमें तो इतनी सरदर्दी लेनी पड़ रही है। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट एक पॉइंट पे मैं करती थी, बट नाउ आई फील लाइक कि ये सब बहुत ही मतलब माइंड गेम्स ही हैं बेसिकली। ये बहुत ही बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज बनाई गई है जिससे लड़कियों की बॉडी क्लेंज होती है। सालो चुप जाओ, बात बताओ, जो तुम सारे इस चीज को टैबू बना रहे हो, तुमने कभी किसी लड़की से बात नहीं करी क्या, या अपनी माँ से बात नहीं करी क्या, या तुम्हारी माँ तुम्हें लायक ही नहीं समझती बताने की कि उसके साथ भी ऐसा हुआ है?
आई जस्ट फील लाइक नाउ इट्स जस्ट अ ब्यूटी ऑफ बीइंग अ गर्ल दैट यू गेट टू एक्सपीरियंस ऑल दिस. और लड़के ये चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. दे विल नेवर गेट टू गेट बी प्रेग्नेंट एंड हैव द यू नो दे वोंट बी एबल टू फील दैट ब्यूटी ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. मैं आई फील माय सेल्फ लेस प्रिविलेज्ड के मतलब यू हैव द क्या बोलेंगे पावर यू हैव द एबिलिटी यू हैव द मैजिक यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ. सो आई मतलब तेरे को भी ऐसा फील हुआ है एज अ गाय कि तू प्रिविलेज्ड है कि तेरे को चीजें फील नहीं करनी पड़ती? नहीं भैया एक्चुअली नो. तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट के व्हाट आई फील एंड व्हाट ही आल्सो फील्स के मोस्टली मतलब हमारे हिसाब से ये होता है कि गर्ल्स आर प्रीटी लकी बिकॉज दे हैव द मैजिक दे हैव द पावर टू क्रिएट अ लिविंग थिंग. सो आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं है. एंड भाई बेसिक कंक्लूजन ये है कि जिसको भी लगता है ये कोई स्ट्रेंज सी या कोई बवाल चीज है तो सबसे पहले तो अपने बाप से जाके बात करो कि पापा अगर तुम्हें माँ से बात करने में शर्म आती है कि मैं ऐसी टट्टी सोच रखता हूँ तो क्या ये सही है? अगर तुम्हारा बाप कहता है हाँ तो तब अपनी माँ के पास जाओ क्योंकि माँ इस चीज में गलत नहीं हो सकती. कहूंगी कि जैसे अब स्कूल्स में हर स्कूल में वर्कशॉप्स होती हैं अराउंड लाइक सिक्स या सेवन्थ क्लास में जब लड़कियां होती है तो उनको एक वर्कशॉप के लिए लेके जाया जाता है बट सिर्फ लड़कियों को लेके जाया जाता है. आई फील कि उसमें सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर काट देते हैं भाई. बेस्ट पॉइंट है मतलब लड़कों को अगर आप यार एजुकेशन इज द ओनली थिंग जिससे हम एक्चुअली में लोगों को अवेयर कर सकते हैं. और अब सिंस सब एजुकेटेड हो रहे हैं स्कूल से ही शुरुआत होनी चाहिए और स्कूल में ही ये चीज साथ में होनी चाहिए. दोनों लोग वर्कशॉप देखें और लोग टीचर्स को सिखाना चाहिए कि लड़के इसको नॉर्मलाइज करे. इंडियन सोसाइटी एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा है कि इसको इतना ज्यादा हुआ बनाया हुआ है ना कि लोग लड़के और लड़कियां खुद ही क्यूरियोसिटी में मर जाते हैं. आई थिंक सब लोगों ने घुमा फिरा के यही बात बोली है कि भाई इसको इतना हाई मत बनाओ. सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो जस्ट बिकॉज मानसी के बम में पेन हो रहा है. तो लेट्स जस्ट रैप अप दिस वीडियो एंड आई होप यू मतलब इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो. एग्जैक्टली माइंडसेट में चेंज नहीं आया हो तो लाओ उसको चेंज लाओ और ये वीडियो आगे तीन लोगों को शेयर करो जो आगे तीन को करेंगे तीन तीन करके बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सकती है. एंड एग्जैक्टली और इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपके आसपास के लोग आपके साथ थोड़ा सिक्योर फील करें अच्छा फील करें. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन में आए वो करना मैं बोलूंगा नहीं करने के लिए. वीडियो अच्छी लगी तो करना नहीं भी लगी हो तो भी कर दो बिकॉज इट्स जस्ट द बिगनिंग. बाय. अच्छा मैम मेरी वीडियो में नहीं बोल सकते थे.